बता इनका डंका विदेशों में बज रहा, हमारे तो गांव में गवांड में यहाँ ढोलक भी नहीं बज रही, वहां तो डंका बज रहा, दुनिया देख रही, लेकिन हमारे क्षेत्र में तो यहाँ। यदि कल अनशन का भी समय यदि रहा तो हम अनशन में भी इनका पूरा साथ लगातार रखी रहती है। श्रीमान जी, मैंने इन लोगों को कितना परेशान देखा है तो मैं भी जानता हूँ। 2-3 बार तो मैं भी इस नदी में गिर गया। इसका सबसे बड़ा मेन कारण है कि शिवालिक पर्वत श्रृंखला यहाँ से मात्र केवल 16 किलोमीटर की दूरी पर है। माता शाकुंभरी का मंदिर भी है, पूर्णता से बहिष्कार है। मेरा नाम है संजीव और इस वक्त मैं सहारनपुर जनपद के तहसील बेहट के उस इलाके में मौजूद हूँ जहाँ पर कुछ प्रदर्शनकारी अपनी मांगों को लेकर आज धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये जो नदी है ये बरसाती दिनों में उफान पर रहती है, जिससे यहाँ के तमाम ग्रामीण क्षेत्र का जो है तहसील मुख्यालय से संपर्क टूट जाता है और तमाम तरह की जो है यहाँ चर्चाएँ होती हैं और जो है जान माल का नुकसान भी होता है। और तमाम जो ग्रामीण है आज इसी मुद्दे को लेकर वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, कह रहे हैं कि पुल नहीं तो वोट नहीं। ऐसे में लोगों से बातचीत करने की शुरुआत करते हैं। जी सबसे पहले स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, नाम बताइएगा। मेरा नाम स्वामी धर्मदेव जी महाराज, मैं एक रामकथा प्रवक्ता हूँ। स्वामी जी, क्या है पूरा मुद्दा जो आज यहाँ पर तमाम ग्रामीण जो है पुल नहीं तो वोट नहीं इस नारे को बुलंद करते हुए दिखाई? ये नारा इनका बहुत अच्छा है क्योंकि 3 साल में मैंने भी यहाँ जो देखा है उसको बताते हुए मुझे भी बड़ी शर्म सी आती है। इनकी लाशें भी इनके घरों में 3-3 दिन तक लगातार रखी रहती है। श्रीमान जी, मैंने इन लोगों को कितना परेशान देखा है तो मैं भी जानता हूँ। 2-3 बार तो मैं भी इस नदी में गिर गया। इसका सबसे बड़ा मेन कारण है कि शिवालिक पर्वत श्रृंखला यहाँ से मात्र केवल 16 किलोमीटर की दूरी पर है। माता शाकुंभरी का मंदिर भी महज 16 किलोमीटर, और वहीं से निकलने वाली मस्करा नाम की एक नदी है जो बरसाती नदी है और बहुत भयानक नदी है। इसका वेग इतनी तेजी से बहता है कि उसमें किसानों के पशु, गाय, बैल, भैंस, बकरियां, इत्यादि तरीके का जान माल का नुकसान। हाँ, और यहाँ तक की के हजारों बीघे खेती का बेड़ा गर्क इस नदी ने कर दिया। आप देख रहे हैं सामने, जी जी, अभी ये खाली है परंतु जिस समय इसका पानी का जो फांट बनता है वो किलोमीटर के हिसाब से बनता है। अब इतने बड़े फांट पे बताइए ये ग्रामीण लोग कैसे रहेंगे, क्या कर सकेंगे? ये इनकी मांग उचित है और मैं इनके साथ हूँ। यदि कल अनशन का भी समय यदि रहा तो हम अनशन में भी इनका पूरा साथ देंगे क्योंकि हम प्रत्यक्षदर्शी हैं इस चीज के। निश्चित तौर पे देखिए मुख्य मार्ग है और तमाम दर्जनों गांव को ये जोड़ता है, तो पुल ना होना एक बड़ी समस्या है, बड़ी समस्या। तो आज धरना प्रदर्शन की जो नौबत आन पड़ी है जी, जी। और प्रदेश में डबल इंजन की सरकार है, माने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार इस बात को कहते हैं कि जीरो टॉलरेंस की नीति पर हम काम कर रहे हैं। जी जी, नहीं आदित्य योगीनाथ जी अच्छी सरकार है, सरकार में कोई कमी नहीं है, बहुत बढ़िया सरकार है, अच्छी सरकार है। कहाँ कमी मानते हैं फिर जो है लंबे अरसे से इस बर्बरता को झेल रहे तमाम ग्रामीण? ये कमी दरअसल कमी ये इसलिए रही है कि यहाँ के जो विधायक गण है, सांसद गण है, जो यहाँ के वरिष्ठ अधिकारी हैं, उन लोगों ने इस ओर दृष्टि करने की को भी प्रयास नहीं किया, केवल वोट का प्रयास किया। बाकी यहाँ कोई निर्माण या इसको बचाव का कोई प्रयत्न नहीं किया गया। यही कारण है कि आज ये एक गांव नहीं है, लगभग 8-10 गांव तो बिल्कुल पास में पड़ते हैं जिनका बड़ा भारी मात्रा में नुकसान होता है, लाखों की खेती बर्बाद होती है। श्रीमान जी आप इधर फोकस कीजिए, देखिए किलोमीटर के एरिया में भी फसल किस तरह से बेड़ा गर्क हो चुकी है। और सामने यदि आप इधर फोकस करेंगे पहाड़ की तरफ देखिए, किलोमीटर के हिसाब से ये नदी अपना रूप धारण कर लेती है। और आज भी आप देख रहे हैं ये दलदली है, ये दलदली नदी है जिसमें हजारों हमारे लगभग कई तो इसमें यहाँ ट्रैक्टर दफन हुए हुए, इतना बुरा हाल यहाँ का है। तो ऐसे में 24 के चुनाव से जो जोड़कर देखा जा रहा है, कह रहे हैं कि 24 के चुनाव से पहले यदि पुल यहाँ निर्माणित नहीं होता है तो जो है ग्रामीण 24 के चुनाव का मूल रूप से जो है मत का बहिष्कार। बिल्कुल बिल्कुल पूर्णता से बहिष्कार है, पूर्ण बहिष्कार है। बिल्कुल एक गांव नहीं, लगभग कम से कम भी 20 गांव ऐसे हैं जो पूर्णता से बहिष्कार है। 20 गांव के समस्त ग्रामीण, समस्त ग्रामीण समाज एक तरफा, कोई वोट नहीं देगा इधर। यहाँ तक की के अगर सत्ता पक्ष, मामला तो ये लंबे अरसे से लटका हुआ है, तो इस बार क्या नौबत आन पड़ी है जो है बहिष्कार करना पड़ रहा है? जब सर से पानी ऊपर उतर जा फिर तो करना पड़ेगी। तो आज बार क्या सर से पानी ऊपर उतर गया? बस ऊपर ही उतर गया जी, जिनके बच्चे गए हुए सिर पकड़ कर रो रहे। 30 साल से यहाँ तक की के श्रीमान जी ये जो रास्ता है ये हरिद्वार से जो हरियाणा की ओर जो कांवड़िया जाते हैं, हजारों कांवड़िया इसी रास्ते से शॉर्टकट से गुजरते हैं, यही से गुजरते हैं। तो सरकार से क्या जो है उम्मीद या फिर अपेक्षा रखते हैं कि इस बार जो है सरकार आपकी सुने
और कहीं ना कहीं आपका ये समाधान बिल्कुल सुनेगी। सरकार बहुत बढ़िया है, भाजपा की सरकार है और ये हमारी कमी कहाँ मानते हैं फिर? बस कमी क्या, ये वो कहा ना कि मंत्री लोग इधर उधर से आवे हैं, कुछ पक्ष के आ जा, कुछ विपक्ष के आ जा, बस हम लोगों को दिलासा दिए और चले जा, और इनके जाने के बाद में यहाँ पानी में गुत्ता हमले, यहाँ तो ये हालत खराब हो रही। तो अब की बार ये बर्दाश्त नहीं होगा बिल्कुल भी। 24 का बिल्कुल इलेक्शन पूरी तरह से हमारा पूरा क्षेत्र बिल्कुल बहिष्कार में है। बहिष्कार करेगा जी, बिल्कुल करेगा। तो डबल इंजन की सरकार है, तमाम विकास कार्यों की बात हो रही है, एक तरफ राम मंदिर बन गया, धारा 370 हट गई, और मोदी जी के नेतृत्व में कह रहे हैं कि विश्व भर में मोदी जी का डंका बज रहा है। नहीं, डंका विश्व भर में बज रहा मोदी जी का, ये बहुत बढ़िया बात है। धरातल पे विकास कार्यों की फिर एक तरफ ये बात आती है कि धरना प्रदर्शन तक की नौबत आती है। इनका डंका विदेशों में बज रहा, हमारे तो गांव में गवांड में यहाँ ढोलक भी नहीं बज रही, वहां तो डंका बज रहा, दुनिया देख रही, लेकिन हमारे क्षेत्र में तो यहाँ ढोलक भी नहीं बज रही, हमारा तो बहुत बुरा हाल हो रहा है यहाँ। अजय वो भी बात है, दूसरी बात ये भी है, जहाज में उड़ने वाला धरातल पर कैसे देख रहा होगा? आप ही समझे बात को, जो ऊपर ऊपर जा रहा है हवाई कॉप्टर में, तो वो नीचे देख रहा है क्या? जीरो टॉलरेंस की नीति समझ रहे हैं ना, जमीन पर काम कर रही है सरकार। जमीन पर देख लो फिर, आपने आप ही देख लो, यहाँ विकास कार्यों की बात हो रही है तो जहाँ हो रहा सो वहाँ से गई, आप यहाँ देखिए, आप यहाँ हो रहा क्या? 3 डेथ इसके बच्चों की हो चुकी है, स्कूल के बच्चों की। एक बच्चा जो है यहाँ से जो है ये डोकना होता, अगर यहाँ स्लेप ना होते तो डोकना होता तो बच्चा ना गुजरता यहाँ। एक बच्चा यहाँ से आज वो 9 साल का हो जाता भाई जी, बताइए। तमाम देखिए लोग हमारे साथ जुड़े हुए जी, बताइए। इस पिछली बरसात में भी 2 बच्चों की अकाल मौत हो चुकी है, लेकिन हम सभी ग्रामवासियों ने उसे प्राकृतिक आपदा समझते हुए उन बच्चों का अंतिम संस्कार कर दिया या उन्हें सुपुर्दे खाक किया। और इसी बात से इस बार बरसात के इस बहाव से तंग परेशान आकर के देखिए, सामने देखिए कितना बड़ा लंबा बहाव है इस नदी मस्करा का, 75 वर्ष। दुख इस बात का होता है, अरसे से मामला लटका हुआ है, पुल की यहाँ मांग चल रही है, तो इस बार क्या नौबत आन पड़ी है? धरना पर नौबत आन पड़ी है कि इस बार हमारे पानी सिर से ज्यादा ऊपर गुजर चुका है, चूंकि उन नेताओं को, उन जनप्रतिनिधियों के आश्वासनों से, उनके वादों से, उनकी झूठी कस्मों से हम लोग तंग आकर के इस बार हमने पूर्ण रूप से संकल्प किया है कि तमाम क्षेत्रवासी, मुर्तजापुर के ही नहीं बल्कि तमाम क्षेत्रवासियों ने 20-25 गांव के लोगों ने पूर्ण रूप से बहिष्कार करने का संकल्प कर लिया कि हम लोग चुनाव में, चूंकि वो 20-25 गांव के लोग इसलिए संकल्प कर रहे हैं चूंकि उन सभी का ये एक मेन रास्ता है तहसील मुख्यालय से जोड़ने का। अगर बीमार को अस्पताल लाना पड़ता है तो बेड लाना पड़ता है, तहसील के किसी कार्य से आना पड़ता है तो बेड आना पड़ता है। रोज मेहनत मजदूरी करने वाले लोग, कम से कम यहाँ से हजारों लोग यहाँ से इस रास्ते से अपनी मेहनत मजदूरी के लिए कस्बा भेट में, चाहे वो सब्जी बेचने का काम करते हो, चाहे वो मोची का काम करते हो, इसी रास्ते से जाते हैं, लेकिन वो बेरोजगारी का भी संकट, रास्ते की ये समस्या। और खास बात तो यह है, बड़ी दुख भरी कहानी है, हम 2-3 गांव के लोगों की तो ये समस्या है कि हमारा अंत्येष्टि स्थल गांव के पश्चिम दिशा की ओर होने के कारण हम लोग जो है अपने मुर्दों को भी 2-2, 3-3 तक अपने घर में रखते हैं, जो वो एयर कंडीशन रूमों में बैठ करके यहाँ से जिन लोगों को हमने चुनाव में वोट डाल करके उन्हें चुनाव जिता करके लोकसभा और विधानसभा में भेजा, उन लोगों ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। तो हमारी जो उम्मीदें, जो हमारी आशाएं हैं, जो हमारा विश्वास है, वो इस बार बिल्कुल टूट चुका है। इस कारण हम सभी देख रहे होंगे मोदी योगी जी के नेतृत्व में जो है देश विश्व गुरु बन रहा है जी। और दुनिया भर में मोदी जी का डंका बज रहा है जी। तो जमीन पर आखिरकार जो है विकास की जब बात आती है, फिर धरना स्थल की सराहना सुन रहे हैं, ये बात बढ़िया है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बढ़िया चल रही है, लेकिन दोस्तों उन लोगों का है जिन लोगों ने इन हमारी समस्याओं को, उन जनप्रतिनिधियों ने हमारी इन समस्याओं से अवगत शासन प्रशासन के लोगों को नहीं कराया कि महापुल की विशेष तौर से आवश्यकता है। इसलिए हम किसी अधिकारी से, किसी प्रशासन के जिम्मेदार व्यक्ति से इस बात की लड़ाई नहीं है, हमारी लड़ाई केवल चुनाव का बहिष्कार करना है। इस बात से तरसता करके, तंग आ करके, लाचार आ करके, क्या जरूरत है हम लोगों को इन्हें वोट डालने की? क्या जरूरत है हमें इन लोगों को वोट देने की? ये लोग बहिष्कार 100% बहिष्कार है। अगर पुल नहीं लोग हमारे साथ हैं जी, आप बताइए अपना नाम। मोहम्मद अफजल खान है मेरा नाम सर। अफजल जी जो है आज जो है तमाम ग्रामीण जो है धरना प्रदर्शन कर रहे हैं एक पुल को लेकर, कह रहे हैं कि पुल नहीं तो वोट नहीं जी। तो क्या है पूरा मामला? केस तो ये पुल जरूरी है, काफी जरूरी है जी, पुल जरूरी है यार, काफी इंजन की सरकार है जी जी। इस बात को